दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडिया नंबर वन इमर्जिंग स्कूल जहां है एकेडमिक्स स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू नाइन्थ मैं अजमेर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान ऑफ्थेल्मिक एसोसिएशन की मेंबर सुनीता स्वामी हमारे राजस्थान ऑफ्थेल्मिक एसोसिएशन में नेत्र चिकित्सा सहायक को पिछले 33 ईयर से कोई भी प्रमोशन कैडर नहीं बना हुआ है उसके लिए हम आज सारे अजमेर डिस्ट्रिक्ट के नेत्र सहायक इकट्ठे होके और कलेक्टर महोदय को सीएम साहब के नाम ज्ञापन सौंपा है उसमें हमारी फर्स्ट मांग तो यह है कि जैसे चिकित्सा विभाग में सारे कैडर के प्रमोशन चैनल बने हुए हैं वैसे हमारे को भी प्रमोशन चैनल बनाया जाए उसकी स्वीकृति मिल चुकी है उसके बावजूद भी हमारी सरकार की तरफ से कोई वो नहीं मिली है सुनीता स्वामी आज दिनांक सभी नेत्र चिकित्सा सहायकों द्वारा अजमेर कलेक्टर महोदय को माननीय मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है जिसमें प्रमुख मांगे हमारी ये है कि कोई भी कर्मचारी हो उसका प्रमोशन एक जन्मसिद्ध अधिकार होता है लेकिन नेत्र सहायकों को आज तक कोई प्रमोशन नहीं दिया जा रहा है जबकि पिछली सरकार में 2016 में जो उप समिति मंत्रिमंडलीय बैठक हुई उसमें निर्णय ले लिया गया है कि इनका भी प्रमोशन होना चाहिए प्रमोशन चैनल बनना चाहिए लेकिन आज दिन तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और ना उसके कोई आदेश जारी किए गए हैं जिससे हम सभी नेत्र सहायक और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि पूरे राजस्थान में सिर्फ 295 नेत्र सहायक कार्यरत हैं राज्य सरकार में और जबकि राजस्थान की लगभग 7-7.5 करोड़ आबादी है उसमें सिर्फ 295 नेत्र सहायक ही कार्यरत हैं तो मैं माननीय सरकार से और सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि आप नए पदों पर भर्ती के लिए भी स्टाफिंग पैटर्न जो है उसमें चेंज करके नई विज्ञप्ति भी जारी करें ताकि बेरोजगार साथियों का भी भला हो सके और सबसे प्रमुख तो मैं ही चाहूँगा कि सबसे पहले प्रमोशन चैनल हमारा बनाए जाए ताकि हम जो है आगे से आगे प्रमोट हो सके और हमारी एजुकेशन आज के टाइम में 10+2 विथ साइंस जो पैरामेडिकल का एक प्रमुख कैडर है राष्ट्रीय अंधता निवारण कमेटी के अंदर हमारा मेन अहम रोल होता है आपको ये बताना चाहूँगा कि नेत्र सहायक का जो काम होता है वो सभी नेत्र चिकित्सालय या राज्य अस्पतालों में बाहर से जो भी मरीज आ रहे हैं नेत्र उनके मरीजों की नेत्र जांच करना चश्मे के नंबर प्रोवाइड करवाना फॉरेन बॉडी कोई आँख के अंदर चली जाती है तो उसको निकालना सिरिंजिंग वगैरह करना है जो नेत्र जाँच शिविर होते हैं उसमें अहम भूमिका होती है ऑपरेशन से पहले ऑपरेशन के बाद नेत्र सहायक की अहम भूमिका होती है यहाँ तक कि स्कूलों में जो स्कूल स्क्रीनिंग कैंप लगते हैं उसमें भी हमारा अहम रोल है एक तरह से आज किसको ज्ञापन दिया आज हमने कलेक्टर महोदय साहब अजमेर उनको ज्ञापन दिया गया है सीएम साहब के नाम आपका नाम जी मेरा नाम राजेश कुमार बेहरवा मैं सीएससी विजयनगर पोस्टेड हूँ और मैं राजस्थान ऑफ्थेल्मिक एसोसिएशन का जॉइंट सेक्रेटरी हूँ